पीएम स्वनिधि योजना के तहत हितग्राहियों को मिलने वाले बिना ब्याज के ऋण के लिए बैंककर्मी लगातार चक्कर लगवा रहे थे। बैंककर्मियों से परेशान होकर हितग्राहियों ने मामले की शिकायत नगर निगम अपर आयुक्त मुकुल गुप्ता और सभापति मनोज तोमर से की। इस समस्या के हल के लिए सभापति ने बैंक में मौजूद गंदगी को साफ करने के लिए पोछा लगाना शुरू कर दिया। सभापति की इस गांधीगिरी से काम के प्रति संवेदनशील होकर बैंक ने ऋण देना शुरू कर दिया। ग्वालियर में नगर निगम अपर आयुक्त मुकुल गुप्ता और सभापति मनोज तोमर से पीएम स्वनिधि के हितग्राहियों ने शिकायत की। हितग्राहियों को भारतीय स्टेट बैंक की कंपू शाखा में पिछले 6 माह से अधिक समय से परेशान किया जा रहा था और पीएम स्वनिधि योजना के तहत मिलने वाले बिना ब्याज के ऋण को नहीं दिया जा रहा था, जबकि हितग्राही इसके लिए कई बार चक्कर लगा चुके थे। इस मामले की शिकायत पर नगर निगम अपर आयुक्त ने नोडल ऑफिसर मिनी अग्रवाल एवं अन्य स्वास्थ्य अमले को लेकर बैंक शाखा पहुंचे। इस दौरान अपर आयुक्त ने बताया कि हितग्राहियों से बैंक में काम न होने की शिकायत मिलने पर बैंक में पहुंचकर हमने प्रधानमंत्री की इस योजना के बारे में उन्हें अवगत कराया और इस योजना का प्रधानमंत्री स्वयं 31 मई को समीक्षा करने वाले हैं। इसकी जानकारी देते हुए हमने बैंक से निवेदन किया। उन्होंने कहा कि बैंक को काम के प्रति संवेदनशील रहने के लिए हमने सफाई अभियान की टीम को भी बुलाया। रुपए दे नहीं रहे हैं, बार बार चक्कर कटवा रहे हैं और दुर्व्यवहार अलग कर रहे हैं, तो ऐसी हितग्राहियों से शिकायत प्राप्त हुई। इवन हमारे जो NULM के नोडल ऑफिसर हैं मिस मिनी अग्रवाल, वो खुद भी ब्रांच में आई, विजिट की, मैंने भी फ़ोन पे बात की थी और उनसे निवेदन किया था कि इन हितग्राहियों के आप डिस्बर्समेंट कर दें। माननीय प्रधानमंत्री की ये फ्लैगशिप स्कीम है और इसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 31 मई की इसकी समीक्षा भी करने वाले हैं, तो लेकिन उसके बावजूद भी इनको न केवल परेशान किया गया हितग्राहियों को, इन सारे केस रिटर्न भी कर दिए, रिटर्न बाई बैंक भी कर दिए और उसमें गलत रिपोर्ट लगा दी गई। तो इसके कारण से जब ये जानकारी मिली तो फिर मैं हमारे CEO भी यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं, हमारे NULM का पूरा स्टाफ चक्कर काट रहा है माननीय, फिर उसके बाद हमारे सभापति जी को जानकारी मिली तो हम सभापति जी और मैं यहाँ पर आए हैं बैंक में आके आप निवेदन कर रहे हैं बैंक मैनेजर से कि आप 100% हमारे हितग्राहियों के आप केस में डिस्बर्समेंट करिए। इस दौरान शिकायत की जानकारी मिलने पर नगर निगम के सभापति मनोज तोमर भी बैंक पहुंच गए। सभापति ने ब्रांच मैनेजर नरेश कुमार जालान को स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक आपके द्वारा इन 310 बैंक के पीएम स्वनिधि हितग्राहियों को ऋण नहीं दिया जाएगा तब तक वो बैंक से नहीं जाएंगे। वहीं सभापति मनोज तोमर ने बैंक में फैली गंदगी देखकर स्वयं ही पोछा लगाना शुरू कर दिया ताकि बैंक प्रबंधक पीएम स्वनिधि के हितग्राहियों के प्रति संवेदनशील हो सके और उनको बिना किसी परेशानी के ऋण दें। सभापति की गांधीगिरी से काम के प्रति संवेदनशील होकर बैंक के रीजनल मैनेजर पंकज सिंह ने सभी हितग्राहियों को तत्काल ऋण देने के निर्देश दिए। 10,000 टाइम पे भर ले उसको 20,000 अगर टाइम पे दे दे तो उसको 50,000 जो जमा कर देगा तो उसको 2,00,000। जैसे जो स्कीम चल रही है उसी के तहत 310 हितग्राहियों के विगत 6 माह से आवेदन बैंक से वापस किए जा रहे थे, तो जब ये संज्ञान में आया तो हितग्राहियों का मामला है और सरकार गरीब हितग्राहियों की मदद करने के लिए तत्पर है, जिससे लोगों को अपना धंधा बिजनेस और रोजगार के लिए साधन उपलब्ध हो सकें। इस मामले पर हितग्राहियों ने कहा कि बैंक वाले अन्य योजनाओं का बहाना बनाकर बार बार लौटा दे रहे थे और ऋण के लिए परेशान कर रहे थे। 50,000 का लोन लिया था वो फरवरी में उन्होंने कागज जमा कर लिए और कहा था कि 20 तारीख तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, उस टाइम से कोई पैसे नहीं आए और 2-3 बार आए तो इन्होंने ये कहा कि है ना आप तक अभी तो 1-2 महीना हुआ है, 6-6 महीने के लटके हुए हैं लोन, उनके नहीं कर पा रहे हैं अभी तो। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे, ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है,
हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।